dia bisa menanggung. Raja-raja harus dikerahap juga. उपमंडल संगड़ाह में अब कोरोना संक्रमण रोकने के प्रति प्रशासन और सरकार पहले की तरह सतर्क नजर नहीं आ रहे हैं। इलाके की बात करें तो यहाँ 9 एक्टिव कोरोना केसेस है, जिसमें से आधा दर्जन चारना पंचायत से बताए जा रहे हैं। इसके अलावा लोक निर्माण विभाग मंडल संगड़ाह के 2 कनिष्ठ अभियंता भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं कल, और विभाग के अनुसार ये दोनों नाहन सब डिवीजन से संबंधित है, इसलिए इन्हें संगड़ाह के कोरोना पॉजिटिव केसेस में नहीं जोड़ा जा रहा है। शुरुआती दिनों में यहाँ बस अड्डा बाजार संगड़ाह में लोग मास्क पहने दिखते थे, और पुलिस प्रशासन द्वारा भी इस बारे लोगों को निर्देश दिए जाते थे, वहीं अब इस तरह का एहतियात नहीं बरता जा रहा है। आज उपायुक्त सिरमौर द्वारा भी क्षेत्र का दौरा किया गया है, हालांकि इस बारे कोई आधिकारिक जानकारी अभी नहीं मिली है। उपमंडल संगड़ाह की बात करें तो यहाँ 1000 लोगों के कोरोना सैंपल लिए जा चुके हैं अभी तक, और इनमें से पॉजिटिव शख्स फिलहाल 9 है, जबकि इससे पहले पॉजिटिव पाए गए 2 अन्य लोग इस क्षेत्र से संबंधित नहीं थे, और 2 अन्य लोग ठीक हो चुके हैं। तो इस तरह आप देख सकते हैं शाम के समय बाजार में लोगों की आवाजाही कम है। संगड़ा अस्पताल के आसपास के कुछ क्षेत्र को जहाँ कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है, वहीं अन्य इलाका बफर जोन है, और शुरुआती दिनों में जहाँ पूरे क्षेत्र को उपायुक्त अथवा DM द्वारा कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाता था, वहीं अब एक आध घर को ही कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाता है जहाँ कोरोना संक्रमित मरीज रह रहे हैं। शुरुआती दिनों में सभी लोगों को हालांकि कोविड केयर सेंटर में भेजा जाता था, मगर अब अधिकतर लोगों का इलाज घर पर ही चल रहा है, और इस तरह संगड़ाह में मौजूद कोविड सेंटर बंद हो चुका है, और यहाँ से केवल 1 मरीज को कोविड केयर सेंटर भेजा गया है। तो अभी काफ़ी संख्या में लोग बिना मास्क के दिखाई दे रहे हैं, और इस तरह मुख्य बाजार में पुलिस और होमगार्ड के जवान सशस्त्र गश्त करते दिख रहे हैं। ग्यारह बजकर 40 मिनट हुए, और संगड़ाह कस्बे का अस्पताल के साथ वाला हिस्सा कंटेनमेंट जोन घोषित होने के बाद आज यहाँ लोगों की कम आवाजाही दिख रही है। हालांकि काफ़ी लोग मास्क पहने दिख रहे हैं, मगर बिना मास्क के भी कुछ लोग नजर आ रहे हैं। इस तरह क्षेत्र में लगातार बढ़ रहे हैं कोरोना संक्रमण के बावजूद यहाँ प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग पर नजर नहीं आ रहा है। SDM संगड़ाह का पद जहाँ गत माह से खाली है, वहीं अस्पताल में डॉक्टर के चारों पद खाली है, जहाँ पिछले महीने तक 2 डॉक्टर मगर अधिक भी डॉक्टर मौजूद नहीं है। तो अब शान से बिना मास्क पहने चलते दिखाई दे रहे, कुछ पढ़े लिखे और पता कभी बुद्धिजीवी लोग WHO और मेडिकल साइंस की मास्क पहनने की थ्योरी को भी यहाँ गलत बताते हैं, हालांकि काफ़ी लोग मास्क पहनने भी दिख रहे हैं। शाम 6:10 हो रहे, इस तरह एक बस यहाँ अभी नाहन से पहुँची है जो हरिद्वार जाएगी। तो आज काफ़ी लोग पर खास करके चालक बिना मास्क के दिख रहे हैं, और यहाँ पुलिस और होमगार्ड के जवान ड्यूटी पर तैनात है। गाड़ियों में भी लोग आज बिना मास्क के नजर आ रहे हैं, और बस के कुछ यात्री भी इसी हालत में दिखाई दे रहे हैं। उपमंडल संगड़ाह में कोरोना केसेस की संख्या अब 9 बताई जा रही है, और पिछले सप्ताह से लगातार क्षेत्र में एक आध कोरोना मरीज हर रोज आ रहा है। तो इस तरह अभी ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी भी देखे जा रहे हैं यहाँ पे।
करने की अभी एक ही कर्मचारी है। इस तरह पहुँचाए एक बस यहाँ नौराधार से आई है। नौराधार में दो कोरोना पॉजिटिव शख्स तैयार जा रहे हैं। नौराधार के साथ लगते उपमंडल संगड़ा के चाड़ना गांव में 6 कोरोना मरीज बताए जा रहे हैं और इस बीच बिना मास्क के भी लोग दिख रहे हैं। यहाँ पे संगड़ा अस्पताल के साथ लगते क्षेत्र को जहाँ कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है वही से मोर भरा वही शेष इलाका बफर जोन है। हालांकि इसके बावजूद अस्पताल परिसर के आसपास दुकानें खुली बताई जा रही है और आज यहाँ लोगों की आवाजाही कम देखी जा रही है। रविवार को जबकि कल बाजार बंद रहेगा। उपमंडल संगड़ा की बात करें तो यहाँ गत माह से लगातार कोरोना केसेस आने के बावजूद ना केवल SDM का पद खाली है बल्कि अस्पताल में डॉक्टर के चारों पद खाली पड़े हैं और इस तरह अब यहाँ प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कोई सतर्कता नहीं देखी जा रही है। हालांकि पुलिस प्रशासन अथवा DSP तैनात दिख रहे हैं ड्यूटी पर और बिना मास्क घूम रहे लोग भी काफ़ी संख्या में।